इस समय हम जा रहे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस ये जानने के लिए कि लोगों के जानवरों को प्यार करने के क्या क्या तरीके हैं। आपको जानवरों से लगाव है? सिर्फ भैंस से। कोई जानवर पेट रखा है घर पे? हाँ, एक लेबराडोर मेरे पास है। हम तो मतलब गांव साइड से है ना, तो हमारे यहाँ पे तो गाय भैंस रखते हैं, कुत्ते बिल्ली ये नहीं। अडॉप्ट किया, खरीदा? नहीं, खरीदा हुआ है। स्ट्रीट डॉग है सर, कोई ब्रीड नहीं है। आप गली के कुत्तों को भी खाना वगैरह डालते हैं क्या? मेरे अपने सारे गली मोहल्ले सबसे लड़ाई हो रखी है। हमारी गली में बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, तो मतलब मैं और ये रोज फीडिंग करते हैं उनकी। कुत्ता आ जाता है आस पड़ोस का तो मैं डाल देता हूँ उसको भी साथ में। ऐसा क्यों करते हैं आप? ह्यूमैनिटी। तो आपको कुत्तों से लगाव है या जानवरों से? मेरे लिए सब जानवर एक बराबर है। आप नॉनवेज भी नहीं खाते? नॉनवेज भी खाता हूँ, लेकिन साल में एक महीना ऐसा निकालता हूँ ताकि भगवान को भी लगता है कि गंदा होने के बाद भी एक महीने साफ रहता है। मैंने 2 साल पहले नॉनवेज छोड़ दी। मैं सिर्फ एग्स खाता हूँ। एग में क्या प्रॉब्लम है? मैं एक अनबॉर्न चिक खा रही हूँ। अनबॉर्न बच्चे को तो वैसे ही दर्द नहीं फील होता? माँ को तो फील हो रहा है। अब मुर्गियों के साथ भेदभाव क्यों? मेरी डाइट का हिस्सा है, इसलिए मैं मतलब अब मजबूरी है मेरे। वो खाने की बात तब तक ही पर्सनल चॉइस होती है जब तक वो किसी को हार्म नहीं करती। आप वेजिटेरियन क्यों बनना चाहते हैं? जो मैं देखता हूँ अपने सराउंडिंग्स में, जो भी ये सब कुछ हो रहा है ना, मतलब उस चीज को फील करके ना बड़ा दुख होता है अंदर से, लेकिन बॉडी पे ऐसा लगता है कभी जीभ पर कंट्रोल ही नहीं है अपनी। जब कोई मर जाता है तो शमशान ले जाएगा, तो हमारा पेट शमशान नहीं है। मुझे एक बात चाहिए, जैसे कि मीठा छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा जिम में जाता हूँ उसके चक्कर में, तो छोड़ लेता हूँ, कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। अच्छा, तो जहाँ अपना स्वार्थ आता है वहाँ कंट्रोल करना आसान है, क्योंकि जब लोगों को डायबिटीज होता है तो फट छोड़ देते हैं। वो तो मजबूरी बन जाती है ना, खाएंगे तो मर जाएंगे। पर अगर हमारे खाने से कोई और मर रहा है तो डिसिप्लिन फुल पावर नहीं अप्लाई किया अभी। मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो एक जीभ का टेस्ट ऐसा आ चुका है ना कि वो बहुत डिफिकल्ट हुआ छोड़ना। लेकिन अगर आप कंट्रोल कर पाए, डिसिप्लिन कर पाए, तो आप चाहेंगे कि आप वेजिटेरियन? चाहूंगा नहीं, मैं बन जाऊंगा। मैं 4-5 साल पहले मैं चिकन विकन सब खाता था, पर एक दिन क्या हुआ, एक दोस्त के साथ गया और मैंने वहाँ उसको कटते हुए देखा। उस दिन पूरी रात इतना परेशान रहा कि उनका ये कितना गलत हो रहा और मैं इसमें इंजॉय ले रहा हूँ। आपको लगता है गाय को नहीं होता दर्द महसूस जैसे मुर्गे? बिल्कुल होता है, गाय को भी होता है, सभी को दर्द होता है। तो फिर आप डेयरी कंज्यूम करते हैं तब भी? उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, इतना डीपली कोई सोचता नहीं है उनके बारे में। तो मैं प्रैक्टिकली कई बार सोचता हूँ, लेकिन फिर यही कि सब चीज के हम लोग एडिक्टेड हैं, दूध दही चाय कॉफी। चाय का जो नशा होता है उसे छोड़ने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, उसके अलावा मुझे किसी चीज को छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दूध छोड़ना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स को वो समझाना थोड़ा मुश्किल है। हफ्ते में एक बार दूध पी लेता हूँ मम्मी पापा के फोर्स से। मेरे को ये सब नहीं पता था कि बछड़े का बच्चा बछड़े को हटा के दूध दिया जाता है। मुझे लगा था कि वो भी पीता होगा, उसको भी, वो इंसानों के लिए भी होता होगा। फिर मैंने दादी से बात करी, वो कह रही कि ना जैसे बछड़ा होता था वो भगवान के नाम पे छोड़ देते थे। हमारे पास भी गाय पालती है सब। कब से गाय है आपके पास? 20-25 साल हो गए। बछड़े बड़े प्यार से रखते हैं। बछड़े कितने हैं घर पे? कोई अत्याचार नहीं होता। बछड़े कितने हैं घर पे आपके? बछड़े छोड़ दिए जाते हैं। जैसे आपकी माता जी हैं, पिताजी उनको खूब अच्छा सा ध्यान रखें, ख्याल रखें, पर जब आप 1.5 साल के होते आपको दौड़ा देते तो क्या कहेंगे कि आपकी माँ के साथ अच्छे हैं वो? नहीं, बेकार है। वही बात है यार। आपको कभी गाय दिखती है सड़कों पे? बहुत दिखती है। आपको क्या लगता है कहाँ से आती है? ये सारे डेयरी वाले ही छोड़ते हैं गाय। और भैंसे नहीं देखे? जो भैंस दूध देना बंद कर देती है वो बिक जाती है? हाँ, बट कम प्राइस में। वो किस लिए बिकती है? जो वो इतना तो नहीं पता मुझे। भैंस को तो लीगल है स्लॉटर करना, आप लेके आओ कर दो स्लॉटर, गवर्नमेंट भी परमिशन देती है, इसलिए शायद भैंस नहीं दिखती है सड़क पे। लोग क्या होता है आजकल पैसे पे हुए, जहाँ खर्चा करना होता है उस चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर जो दूध नहीं देने वाला होगा, लोगों की मानसिकता बताओ, उसे वो बूचड़ खाने में भेज देंगे। मुझे एक बात चाहिए, एक ऐसी गाय जो बूढ़ी होके बूचड़ खाने में कटने जा रही है, उसका दूध खरीदना क्या ये पाप नहीं हुआ? पाप करने तभी ये सब हो रहा है, पाप अगर ना करते तो क्या करोना आता। तो आप ये समझते हैं एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ फिर भी आपने दूध कंज्यूम करना बंद किया? दूध में कंज्यूम कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट कंसीडर नहीं हो रहा कि मतलब पहले भी तो दूध दही इतना सारा खाया जाता था, कमर्शलाइज नहीं था तब इतना ज्यादा, ठीक है। अब कुछ लोगों कुछ कंपनियों की वजह से इतना कमर्शियल हो गया है कि मतलब उन कंपनीज के लिए मुझे छोड़ना पड़ेगा। मेरे छोड़ने से मतलब दूध का पॉइंट मतलब ये मतलब
कहने का पॉइंट ये है कि मतलब मैं वीगन हो जाऊं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप क्यों वीगन हो रहे हो, वीगन होने में क्या है। वो लोग देखना नहीं चाहते हैं कि उनके साथ जो गलत होता है। वो कहते हैं आप एकदम बाहर के लोगों की तरह रहना चाहते हैं, वहाँ पर अलग चीज़ है, यहाँ पर अलग चीज़ है। ऐसा नहीं होता, लोगों को लगता है ऐसा कि यहाँ गाय के साथ गलत नहीं होता। उन्होंने अपनी इमेजिनरी दुनिया बना रखी है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ होता, बट रियलिटी वेरी डिफरेंट। सब कुछ होता है यहाँ पे, बहुत टॉर्चर होता है। गाय का कटना तो इंडिया में इलीगल नहीं है? इलीगल तो बहुत कुछ है, लेकिन होते सब काम है। जो जैसे मतलब बछड़ा है उनका, उसको अगर वो रखेंगे उसके पास, मम्मी जब भी दूध देती है उसकी, जब तक वो उसके पास रहता है तो वो या तो उसकी स्किन पील कर देते हैं, या मैंने उसकी गर्दन कटी हुई देखी है दूध वाले के हाथ में ले जाते हुए, कि मतलब वो उसको पास रखते हैं ताकि वो सेंस करते रहे कि हाँ मेरा बेटा मतलब मेरा वो मेरे साथ है और दूध दे रहे हैं। मेरे घर के पास है, वो गाय का दूध देते हैं, भैंस का दूध देते हैं, तो मैं देखता हूँ वहाँ हर 2-4-6 महीने में बछड़े होते हैं, वो गायब हो जाते हैं, फिर नए बछड़े आ जाते हैं, फिर नए बछड़े, और उनसे पूछो पुराने बछड़े कहाँ गए, तो कहते हैं हम भेज देते हैं। फ्रैंकली कहूँ तो मुझे वेगन और वेजिटेरियन में डिफरेंस ही नहीं पता था। मैं तो बहुत प्राउड फील करती थी कि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो हम कह सकते हैं कि वीगन होना कोई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, पर नहीं है, एक अहिंसा वाली बात है। बिल्कुल। और ये कारण है कि हम कहते हैं कि दूध का बहिष्कार करें जब तक गाय के साथ क्रूरता हो रही है।